हेलो मैन मार्मी यार, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और BGMI में तोड़ फोड़ कर रहे होंगे, रैंक पुश कर रहे होंगे और जो मेरे भाई कस्टम खेलते हैं वो कस्टम में बुमा बूम दे रहे होंगे। तो आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं एक और नई सेंसी की वीडियो। हाँ, मुझे पता है मैं काफी टाइम से ऑफलाइन था, इनएक्टिव था, लेकिन भाई आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा कि बंदे बोलते हैं भाई एक और सेंसी की वीडियो लाओ और सेंसी की वीडियो लाओ, तो मैं लेके आ गया हूँ एक और नई सेंसी की वीडियो आपके स्पेशल। तो आज हम करने वाले हैं 6X की सेंसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा, तो उसके लिए आप अपने मन पसंदीदा ग्रिप जो भी है वो उठा लीजिए। मेरा तो बेसिकली यही रहता है हाफ ग्रिप और एंगल ग्रिप, क्योंकि मुझे थोड़ा इसमें कंफर्ट फील होता है, तो इसको उठा के अपन चल देते हैं ट्रेनिंग फील्ड की ओर। तो चलो वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले भाई जो भी मेरा भाई नया है वीडियो में, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जलाना टन 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 टन, ताकि मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच सके जल्दी से जल्दी। तो वीडियो को करते हैं शुरू, लेट्स बिगिन। तो गाइस हम सबसे पहले करेंगे क्या, अपनी 3X की जो सेंसिटिविटी है उसको पूरा 400 कर देंगे, क्योंकि हम ट्राई करने वाले हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो मैं आपको डिफरेंस पूरा बता दूंगा। तो 400 में स्प्रे करने के लिए क्या होता है कि आपको अपना फ़ोन ज़्यादा टिल नहीं करना होता है। ये देखिए मैं अपना फ़ोन ज़्यादा टिल नहीं कर रहा हूं। तो होता बेसिकली ये कि कई बंदों का ये कंप्लेंट आती है कि भाई हम टिल नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, फ़ोन को रोटेट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए कोई अच्छी सी सेंसी बताओ भाई। तो देखो अगर आप टिल नहीं कर पा रहे हो तो हाई सेंसी पे खेलो। हाई सेंसी पे खेलने के पर आपको नुकसान ये होगा कि आपको एम पे फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपका एम थोड़ा सा हिलेगा, इधर उधर हिलेगा, वो आपके हाथ में भाई आप जैसे कंट्रोल कर सको। लेकिन अगर आपको हल्का टिल्ट करना है और सेंसी अच्छी पानी है तो आपको टिल्ट तो करना होगा। उसके लिए आप क्या करो, 400 से कम करो। जैसे मैंने अभी इसमें 50 माइनस कर दिया। अब देखो 50 माइनस करके क्या हो रहा है, एम थोड़ा हिल रहा है लेकिन थोड़ा कनेक्टिविटी ज़्यादा हो रही है एम के ऊपर, टारगेट के ऊपर जब कनेक्टिविटी है बुलेट्स की वो ज़्यादा हो रही है। तो आपको करना ऐसे ही है कि आपको हाई सेंसी पे खेल के थोड़ा थोड़ा कम करना है। अभी जैसे मैंने 50 माइनस किया था, अभी मैं 50 और कर लेता हूँ और ये 300 पे, अब 300 पे देखेंगे हम। तो ये देखो जैसा तुम देख रहे हो कि बुलेट्स की कनेक्टिविटी ज़्यादा हो गई है और एम जो इधर उधर हिल रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि मैं अब हल्का सा टिल्ट करना स्टार्ट कर दिया हूँ फ़ोन को। ये देखो, ये देख रहे हो कनेक्टिविटी कैसी हो रही है। तो यही बेसिक फ़र्क होता है टिल्ट करने का, कि टिल्ट से आप सेंसिटिविटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। ये नहीं होता कि आप 400 कर लो तो आपकी सेंसी जहर हो जाएगी या फिर आप बिल्कुल कम कर लो जहर हो जाएगी, ये आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी देखो मैंने और इसमें से 50 माइनस कर दिया, तो 250 पे करके देखते हैं। आप देखो स्प्रे, ये देखो अब मेरे राइट में बोर्ड को नोटिस करना है, इसमें ज़्यादा हेड की कनेक्टिविटी भी ज़्यादा हो रही है और बुलेट जो कनेक्ट हो रही है वो ज़्यादा हो रही है, और जो एम से इधर उधर भागता था वो कम हो गया है। तो ये बेसिकली आपके टिल्ट करने पे डिपेंड करता है, जितना आप अच्छा टिल्ट करोगे अपनी सेंसी के हिसाब से उतनी ही अच्छी आपकी लेज़र बुलेट्स जाएंगी। ये देखो, देख रहे हो कनेक्टिविटी देखो। तो ये मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि आप जैसा आप टिल्ट करोगे फ़ोन को, जितना आप प्रैक्टिस करोगे अपने फ़ोन को टिल्ट करने की अपनी सेंसी के हिसाब से, अगर सेंसी ज़्यादा है तो कम टिल्ट करो, अगर कम है, ये देखो मैंने अभी कितनी कर दी है, मैं बहुत कम कर दी है अपने इसी हिसाब से। अब आप देखो, अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि जो एम हमारा राइट लेफ्ट जा रहा था वो कम हो गया है, अब वो सेंटर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है लेकिन ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि ये फ़ोन को टिल्ट करने के लिए कह रहा है कि अपना डिवाइस थोड़ा टिल्ट करो भाई अपनी सेंसी के हिसाब से, तो तुम रिकॉल को कंट्रोल कर पाओगे। ये देखो, अभी देखो, देख रहे हो, और कनेक्टिविटी देखो, अभी इधर उधर भागना बंद हो गया है, अभी जा रहा है ऊपर की ओर, क्यों? क्योंकि ये कह रहा है भाई तुम फ़ोन को टिल्ट करो। और देखो हेड की कनेक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें होता यही है कि जितने आप लो सेंसी में खेलोगे जितना आपका डिवाइस रोटेट होगा उतनी आपकी लेज़र स्प्रे जाएगी, ये फैक्ट है भाई, मानो या ना मानो। हाई सेंसी में खेलने वालों को बस ये फ़ायदा है कि वो चलते चलते में जल्दी जल्दी में मार सकते हैं बिना फ़ोन को टिल्ट करे हुए, और उनको उतनी दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनका जो आप जो लेज़र स्प्रे की बात करते हो ना कि लेज़र स्प्रे जानी चाहिए 3X की लेज़र स्प्रे, भाई वो होती है लो सेंसी पे आप फोन टिल्ट करोगे उतना फोकसली आपकी स्प्रे जाएगी। हाँ वो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका हाथ कितना उस पर सेट है, जितना आपका हाथ सेट होगा आपके डिवाइस के ऊपर आपकी सेंसी के ऊपर उतनी आपकी प्रिसाइजली एम होने वाला है और स्प्रे जाने वाली है। अभी ये देखो,
यही होता है भाई, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। आप यही करो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले आप 400 करो, अगर आपको 400 करोगे फिर उसमें से लो जाओगे, आपको डिफरेंस 100% पता लगेगा कि मेरे से क्या गलती हो रही है, मेरा फ़ोन कितना टिल्ड मुझे करना चाहिए, कितना मुझे रोटेट करना चाहिए, कितनी मेरे को सेंसी रखनी है अपने हाथ के हिसाब से, फिर आपको कम ज़्यादा करनी है। कम पहले ऊपर से लेकर नीचे तक आइए, फिर नीचे से एक बार आप नीचे से भी करके देखिए कि बिल्कुल नीचे से फिर ऊपर की ओर करके देखो कि जैसे आप पहले 150 करो, 150 से फिर ज़्यादा करो, फिर आपको पता लगेगा कि मेरे को कितना टिल्ड कर रहा है और मेरा एम कितना प्रिसाइजली जा रहा है या नहीं जा रहा है, तब आप इजीली बिल्कुल ही जहर स्प्रे मार पाओगे और इजीली किसी को भी आप टक्कर दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका लो एंड डिवाइस है तो आप तो भाई खेल नहीं सकते, मैं तो होपलेस हूँ भाई, मेरी तो लैग होती है। हाँ भाई माना, मेरे को पता है कि लैग कितनी होती है लो एंड डिवाइस में, लेकिन अगर आप फ़ोन को टिल्ड करना सीख गए अपनी सेंसी के ऊपर तो आपको पता लगेगा कि जब आपका फ़ोन लैग होगा तब आप ज़्यादा टिल्ट करोगे और आपकी स्प्रे वैसी ही रहेगी। ऐसा नहीं कि आप अगर लैग हो रहा है तो भाई वो मेरा तो फ़ोन में हल्का सा टिल्ट करता था तो भाई लैग होता है तो स्प्रे कंट्रोल नहीं होती है। अगर आपका लैग हो रहा है तो आप ज़्यादा टिल्ट करो और आप देखो रिजल्ट देखना कि कभी भी आपका लैग होगा और आप ज़्यादा टिल्ट करोगे तब भी आपकी स्प्रे कंट्रोल होगी। चाहे वो लैग तो होती है, वो लैग में दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी आपका 50% कंट्रोल करके देगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो बस ये सारा गेम होता है गाइस प्रैक्टिस का, जितनी आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितना आप अच्छा टिल्ड करोगे तो कोई भी स्कोप डजेंट मैटर, आप उसमें जहर रिकॉल कंट्रोल कर सकते हो किसी भी ईस्पोर्ट प्लेयर के मुकाबले में, आप भी वैसा ही अपना स्प्रे दिखा सकते हो। तो आपको बस करना ये है कि आपको प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करने से आपके हाथ जब इसमें एक बार परफेक्ट हो जाएगा, आपका फ़ोन टिल्ड करने में परफेक्ट हो जाएगा तो आप कोई भी सेंसी बनाओ यार, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बस यही है इस वीडियो में, आपको मैं बस ये बताने वाला था कि आपके टिल्ड करने का कितना इंपॉर्टेंस है। तो जितना अच्छा आप टिल्ड करोगे उतना अच्छा आपके रिकॉल जाएगी। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट कर देना अगर आपको कोई भी सेंसी के ऊपर वीडियो चाहिए, या आपको पर्सनल मेरी सेंसी चाहिए, हाई सेंसी चाहिए, लो एंड डिवाइस की सेंसी चाहिए और 4x की चाहिए, रेड डॉट की चाहिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं उसके ऊपर भी प्रिसाइजली वीडियो बनाने वाला हूं क्योंकि अब मैं एक्टिव हो चुका हूं चैनल पे। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय 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 नम आर्मी, मचाते रहो बूम।